भाइयों और बहनों, हमने उन लोगों के सपनों को भी बल देने की कोशिश की जो अपना घर खुद खरीदने की इच्छा रखते हैं। सस्ते मकानों को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने होम लोन पर 1.5 लाख रुपए के ब्याज पर आयकर में अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया ताकि मध्यम वर्ग का परिवार अपना घर बसा सके। साथियों, हमारा जोर पारदर्शिता पर भी रहा। घरों के निर्माण के अलग अलग चरण की तस्वीरों को ऑनलाइन अपलोड किया गया। पारदर्शी तरीके से प्रशासन को सही जानकारी उपलब्ध कराई गई। पैसों के डायरेक्ट ट्रांसफर के कारण कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई और हर कोई संतुष्ट दिखा। यही नहीं, रियल एस्टेट के क्षेत्र में पारदर्शिता की बहुत कमी थी। इससे घर खरीदने वाले को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने रेरा कानून लाकर घर खरीदने वालों के मन में विश्वास भरने का काम किया है। आज अधिकतर राज्यों में रेरा कानून नोटिफाई किया जा चुका है, ट्रिब्यूनल भी काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत लाखों नए फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो घर को लेकर हमने होलिस्टिक अप्रोच से काम किया है। अगर हम अलग अलग एक एक योजना के साथ सामने आते तो इतनी बड़ी सफलता मिलना मुश्किल था। बड़े पैमाने पर समाधान तभी संभव है जब सारे विभाग, सारे फैसले एक बड़े लक्ष्य को सोचकर किया जाए। सारे मंत्रालय और सारी योजनाएं मिलकर एक ट्रैक पर काम करें, यही हमारे सरकार के कामकाज की पहचान रही है। टुकड़ों में नहीं, समग्रता में सोचो और सबको इकट्ठा करके काम करो। साथियों, पिछले 5 वर्षों में स्वच्छता से लेकर बैंक से लेन देन तक समाज के व्यवहार में परिवर्तन के जितने भी जन आंदोलन हुए हैं उसमें आप सभी ने बढ़ चढ़ करके योगदान दिया है। यही कारण है कि आने वाले 5 वर्षों के लिए भी जो संकल्प लिए गए हैं उनकी सिद्धि के लिए आप पर मुझे बहुत भरोसा है। ये विश्वास निरंतर मजबूत होगा। इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत आभार।